ये लोग ओबीसी के खिलाफ है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए ओबीसी के खिलाफ है। 50% की सीमा को खत्म करने की आवश्यकता क्यों है, आप ओबीसी के खिलाफ है, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सदन में ओबीसी के खिलाफ है कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा को ओबीसी समुदाय का समर्थन प्राप्त है, इन्हें सदन में ओबीसी के खिलाफ बोलना है। श्री नीरज दंगी, 14 मिनट्स। थैंक यू सो मच मैम। सर नीरज भाई वांटेड टू स्पीक आई थिंक। संविधान संशोधन विधेयक 2022 जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात में करने बाबत है, जैसा अभी आदरणीय मेरे साथी सांसद जावेद भाई ने रखा। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि 50% आरक्षण सीमा क्या है। 1980 में बीपी मंडल के नेतृत्व वाली दूसरी पिछड़ा वर्ग समिति ने, जिसे मंडल आयोग भी हम लोग कहते हैं, बहुत कॉमन है, ओबीसी के लिए 27% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण की सिफारिश करी। वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान रखा। हालांकि इसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी। 1993 में ही बोलने दो यार 1993 में ही कांग्रेस सरकार ने अन्य अर्थ 93 में ही कांग्रेस सरकार ने अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% का अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करते हुए एक और अधिसूचना जारी की। हालांकि 27% कोटा मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, जबकि न्यायालय ने आर्थिक मानदंडों के आधार पर 10% कोटा को रद्द किया। न्यायालय ने यह भी देखा कि पिछड़े वर्ग को न्यायालय ने यह भी देखा कि पिछड़े वर्ग को केवल आर्थिक मापदंडों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और कहा कि पिछड़े वर्गों की पहचान जातियों के आधार पर की जा सकती है। मैडम माई टाइम शुड बी पॉज्ड। मैडम दिस वे माई टाइम शुड बी पॉज्ड। ये लोग ओबीसी के खिलाफ है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए ओबीसी के खिलाफ है, आप ओबीसी के खिलाफ है, एक्सेप्ट कर लीजिए। मैडम ये टाइम मेरा टाइम मैडम पॉज करना है। ये सदन में ओबीसी के खिलाफ है, ये सामने आ गया है। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा मैम। 50% की सीमा को खत्म करने की आवश्यकता क्यों है। आरक्षण शुरू में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए था, और समय के साथ में जातियों को लाभ प्रदान करने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु में पहले से ही 69% आरक्षण है, और इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कांग्रेस सदैव ही संसद में ये मांग करती रही है कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए, क्योंकि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा सीमा पहले ही पार कर चुकी है। भाजपा को ओबीसी समुदाय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन सदन में वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इन्हें सदन में ओबीसी के खिलाफ बोलना है, इन्हें बोलना है, इसलिए मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।